अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हैप्पी, वेरी हैप्पी। आपको पता है सारे और मैं अभी लंच करने जा रहे हैं। अच्छा, गुड। इनफैक्ट ये सारिम का आइडिया था। कह रहे थे कि रात को हम डिनर पे नहीं जा सके तो आज लंच कर लेते हैं। कैन यू इमेजिन? सारिन ने तुमसे कहा? हाँ, इसमें तो हैरानगी वाली क्या बात है। आखिर हमारी बात पक्की हो चुकी है। अब सबने मुबारकबाद दे दी सिवाय आपके। सारिम की कोई भी बात मुझसे छुपी भी नहीं है। उसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं। सारिम तुम्हें कभी लंच का नहीं बोल सकता। हाँ, अगर तुम उसे बोलोगी तो वो तुम्हें मना नहीं करेगा, क्योंकि उसकी आदत नहीं है किसी को हर्ट करने की। और मुझे यकीन है कि तुमने उसे लंच का बोला होगा, उसने तुम्हें लंच का नहीं बोला। और रही बात मुबारकबाद क्यों नहीं दी, तो डेयर सरिश, अभी तुम्हारी मंगनी हुई नहीं है, होना बाकी है। देखो ना, जैसे पहले तुम्हारा निकाह डिसाइड हो रहा था तो फिर मंगनी फाइनल हो गई, तो आगे कुछ भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मम्मी, अरीशा आएगी थोड़ी देर में, उसे मेरे कमरे में भेज दीजिएगा प्लीज। लेकिन बेटा, अरिशा इस वक्त क्यों? क्या मतलब इस वक्त क्यों? 5 ही बजे, कोई 12 तो नहीं बजे? क्या हो गया आपको? क्या हो गया सैरिश, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मम्मी, मैं गुस्से में नहीं हूँ। आज मेरा ऑफिस में बहुत टफ डे था, मैं थक गई हूँ। हाय सैरिश, बैठो। एक बात बताओ, जब बुलाने का वक्त था तब तो तुमने मुझे बुलाया नहीं, और आज अचानक से कौन सी इमरजेंसी हो गई कि बस फौरन आ जाओ? कोई जरूरी बात करनी थी इसलिए बुलाया है ना? हाँ बोलो। ये माहम का क्या सीन है? दिल चाह रहा था कि आज उसका खून पी जाऊं।